अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमु साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। हमारी ये दुनिया बहुत ही अजीब और गरीब और पुरसरार मकामात से भरी हुई है, जिसमें ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस पाई जाती हैं जो दरियाफ्त तो सदियों पहले हुई लेकिन आज तक उनकी हकीकत कोई नहीं जान पाया। इसी तरह चिली के साहिल से तकरीबन 3600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड मौजूद है जिसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है, और ये पैसिफिक ओशन में हजारों किलोमीटर खुश्की से दूर पाया जाने वाला इकलौता आइलैंड है। ईस्टर आइलैंड पैसिफिक ओशन में इतना अकेला है कि इसका पड़ोसी पिटकेरिन आइलैंड भी इससे 2075 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ भी इंसान नहीं बसते। और इसके अलावा 500 लोगों की आबादी पे मुश्तमिल एक आइलैंड जो मैंग्रीवा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, वो भी 2600 किलोमीटर दूर है। जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और ईस्टर आइलैंड से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है, और आज के दौर में यहाँ पहुँचना अब सिर्फ हवाई जहाज की मदद से ही मुमकिन है, और चिली से ईस्टर आइलैंड का सफर भी हवाई जहाज में 5 घंटे का है। लेकिन इस आइलैंड की हैरान कुन बात ये नहीं कि ये इतने बड़े ओशन में खुश्की का एक छोटा सा टुकड़ा है, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पाए जाने वाले देव हैकल स्टैचूज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये आइलैंड 1722 यानी 300 साल पहले दरियाफ्त हुआ कि जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जेकोब रोगोविन समंदर में रास्ता भटकने की वजह से गलती से इस आइलैंड पे आ पहुंचा, तो उसने देखा कि इस आइलैंड पे पत्थर से बने कुछ बड़े बड़े मुजस्मे मौजूद हैं जिनकी पीठ समंदर की तरफ और चेहरे आइलैंड की तरफ थे, और दिखने में ये स्टैचूज किसी देव की तरह लगते थे जिन्हें बड़ी महारत से पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। जेकोब ये सारे मनाजिर देखकर हैरान हो गया और तजस्सुस में उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू करा, और फिर पता ये चला कि पूरा आइलैंड चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि कई सौ मुजस्मों से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए। और जिस दिन जेकोब इस आइलैंड पे आया था वो दिन ईसाइयों के एक त्योहार ईस्टर का दिन था, यही वजह है कि उस दिन से आज तक इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जब इस आइलैंड को दरियाफ्त कर लिया गया उस दौर में भी इस आइलैंड पे गिने चुने लोग आबाद थे, और वो लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने क्यों और कैसे बनाया ये उन्हें भी मालूम नहीं था। बस फिर उस दिन से लेकर आज तक यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे तो कुछ इसके पीछे छुपी हकीकत को जानने के लिए। इसी तरह पिछले 300 सालों की मेहनत और जस्तजू के बाद आखिरकार एक्सपर्ट्स ने यहाँ ऐसे शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं जिन्हें देखकर ये कहना गलत ना होगा कि हम इस मिस्टीरियस आइलैंड के मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इस आइलैंड में तकरीबन 1000 के करीब स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मुआई कहा जाता है। इन स्टैचूज में से किसी की आंखें मौजूद हैं और कई बगैर आंखों के बनाए गए हैं, जबकि इन स्टैचूज की लंबी नाक, चपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टैचूज तकरीबन 13 सेंचुरी में बनाए गए यानी आज से तकरीबन 700 साल पहले। बहुत से स्टैचूज आइलैंड के बॉर्डर पे सीधी लाइन से खड़े नजर आते हैं और कई के सिर्फ चेहरे जमीन पे पड़े देखे जा सकते थे। लेकिन 2012 में खुदाई के दौरान एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा कि जिसने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया, और वो ये कि जमीन पे मौजूद इनके चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि उनके साथ जमीन में धसी हुई उनकी बॉडी भी मौजूद है। और इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट है और इसका वजन तकरीबन 90,000 किलोग्राम है, जिसको उठाना तो दूर हिलाना भी बहुत मुश्किल काम है। और फिर हैरान कुन बात तो उस वक्त पता लगी कि जब रिसर्च टीम को रिसर्च के दौरान एक ऐसा स्टैचू मिला जो नामुकम्मल था। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट बताई जाती है और इसका वजन तकरीबन 300 टन के करीब है। पत्थर को तराश कर इतना बड़ा स्टैचू बनाना और फिर इतने वजनी स्टैचूज को आइलैंड के मुख्तलिफ जगहों पे लाकर रख देना, ये एक ऐसा काम लगता है जो उस वक्त के इंसानों के बस की बात ही नहीं। और यही वजह है कि कई सालों तक ये माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए किसी एलियन ने करा है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड पे मौजूद आतिशफिशा पहाड़ों से निकलने वाली राख से बनाए गए हैं, यानी ये काम इसी आइलैंड पे रहकर किया गया था। और इन चीजों को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर
जब इन स्टैचूज की सिर्फ आंख को एक पत्थर पे तराशने की कोशिश करी तो इस काम में ही 3 दिन लग गए। और ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने वक्तों में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और इस तरह एक्सपर्ट्स इस नतीजे पे पहुंचे कि फुल साइज के स्टैचू को बनाने के लिए तकरीबन 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल जरूर लगा होगा। और यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि वहाँ पे मौजूद बड़े बड़े पत्थर जो अपनी जगह पे मौजूद होते उनको तराश कर उसे स्टैचू की शक्ल में बनाया जाता और ऊपर वाला हिस्सा कम्प्लीट होने के बाद उसे पत्थर से अलग कर दिया जाता था। और इस तरह रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ आ गई, लेकिन अब ये जानना इंतहाई मुश्किल हो रहा था कि इतने बड़े स्टैचूज को वॉल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड की मुख्तलिफ जगहों पर कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि एक नॉर्मल स्टैचू का वजन तकरीबन 14 हाथियों के बराबर है। और आज के दौर में भी अगर मशीन का सहारा ना हो तो ये काम करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। और ये बात जानने के लिए कई स्टैचूज का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते पे गिरे हुए थे। और इन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी, जो स्टैचूज किसी स्लोप पे गिरे हुए देखे गए वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चढ़ाई पे पाए गए। और ये देखकर साफ जाहिर होता है कि ये स्टैचूज जब ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और शिफ्टिंग के दौरान ही ये गिर के टूट गए। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े स्टैचूज को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मूव किया जाता था और इस तरह इन मुजस्मों को चलाकर आइलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाया जाता था। और इस बात को भी टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने कंक्रीट की मदद से एक इसी तरह का स्टैचू बनाया और इसकी 3 साइडों पे रस्सियां बांध के इसे बैलेंस किया गया। और एक खास एंगल पे स्टैचू को झुकाने के बाद एक साइड से जब इसे खींचा गया तो स्टैचू हैरत अंगेज तौर पे आगे बढ़ने लगा। और इसी तरीके से इस स्टैचू को 50 फीट की दूरी तक चलाया गया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पे रहने वाले लोग किस तरह स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अब भी बाकी था कि ये लोग कौन थे जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में इतने बड़े स्टैचूज बनाए, और वहाँ आखिर ऐसा हुआ क्या था कि वहाँ पाए जाने वाले कुछ स्टैचू आज भी इनकम्प्लीट हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक जब ये स्टैचूज बनाए गए उस दौर में इस आइलैंड पर तकरीबन 17,500 लोग रहा करते थे, और ये लोग पॉलिनीशियन थे जो ईयर 300 AD में इस आइलैंड पे आए थे, यानी 1700 साल पहले। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज है। रिसर्च ये बताती है कि यहाँ दरख्तों से भरा घना एक जंगल हुआ करता था, जिस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। और इसके अलावा ईस्टर आइलैंड से 25 मुख्तलिफ किस्म के पोलन एविडेंस भी मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद पाम ट्रीज की थी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अगर इतना घना जंगल था तो आखिर वो गया कहाँ? और रिसर्चर्स के हिसाब से यहाँ बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन की गई, और ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्रीज का ये जंगल यहाँ रहने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग किसान थे और उन्हें एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जहाँ वो अपनी खेती बाड़ी कर सकें और जहाँ उनको स्टैचूज को मूव करने में आसानी हो। इसी वजह से शायद अपने हाथों से उन्होंने इस जंगल को खत्म करा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जंगलात की कटाई की वजह से हमारी जमीन के माहौल का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता सिलो पॉइजन की तरह जाहिर होते हैं। और इस आइलैंड पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, और शुरुआत में तो वहाँ रहने वालों को कुछ पता ही नहीं लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से आइलैंड पे रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने की कमी हो गई। और फिर ये लोग इस तरह आपस में ही लड़ पड़े, और कुछ माहरीन के हिसाब से यहाँ रहने वाले लोग आदमखोर थे और इनके खत्म हो जाने की वजह यही है कि वो एक दूसरे को ही खा गए। और कुछ माहरीन के मुताबिक इस आइलैंड पे कोई ऐसा वायरस फैल गया था जिसके बायस लोग आदमखोर बन गए, और जिसका जवाब तलाश करने के लिए आज तक तहकीकात जारी हैं कि आखिर क्यों वहाँ के लोग एक दूसरे को ही खा जाया करते थे। और इसी तरह कदीम तहजीबों की तारीख पे महारत रखने वाले ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पे मौजूद लोग जादू के भी माहिर थे, और इस जजीरे पे मौजूद ये बड़े बड़े स्टैचूज जादू के तौर पे इस्तेमाल होने वाले एक टूल थे, और उनके मुताबिक ये मुजस्मे मुख्तलिफ शयातीन की शबियां हैं। और एक नजरिया ये भी है कि ईस्टर आइलैंड का हर शख्स जादू के फन में माहिर था, तो किसी वजह से इनमें आपस में लड़ाई हुई और उस नतीजे में इन्होंने एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। इस आइलैंड से कई इंसानी हड्डियां और ढांचे भी मिले हैं,
जिन पर चोटों के निशान भी मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि वहाँ कोई जंग हुई थी और जिसमें ज्यादातर ख्वातीन को निशाना बनाया गया था। और इसी तरह इस आइलैंड पर ख्वातीन की तादाद कम होने की वजह से इस आइलैंड की आबादी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया यहाँ पे बच जाने वाले लोग वहाँ से हिजरत करके कहीं और चले गए, और आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है, जहाँ पे इन देव हेकल स्टैचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि वाकई ये किसी इंसान के हाथ के बने हुए हैं। और ये बात आज भी कोई नहीं बता सकता कि इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनके बनाने के पीछे कोई और ही मकसद था। इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये स्टैचूज किसी इंसान का काम है, किसी जिन का, या फिर किसी एलियन का? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।